हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने किसानों के आंदोलन के दौरान आपत्तिजनक बयान दिया, जिससे गुस्साए किसानों ने रुड़की में उनका पुतला दहन किया और नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन के कई कार्यकर्ता रुड़की में इकट्ठा हुए और मंडी से भाजपा की सांसद कंगना रनौत का पुतला दहन किया। इस दौरान उनका कहना था कि भाजपा सांसद किसानों को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी कर रही हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, कंगना ने यह बयान देकर पूरे देश के किसानों को बदनाम किया है और यह सब भाजपा के इशारों पर किया जा रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहले भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने दो दिन पहले मुंबई में एक दैनिक भास्कर के इंटरव्यू में किसानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर आज भारतीय किसान यूनियन संग्राम की टीम ने रामपुर चंगी पर उसका पुतला दहन किया है और इसको लेकर किसानों में एक बड़ी नाराजगी है। और जब तक ये सांसद अपना बयान वापस नहीं लेगी, सार्वजनिक माफी नहीं मांगेगी, ऐसे ही हम लोग विरोध करते रहेंगे। कंगना जो रनौत जी है, जो सांसद है, हमारे देश की पार्लियामेंट मेंबर है, उन्होंने किसानों के खिलाफ एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की है और ये टिप्पणी उनकी पहली बार नहीं है। दैनिक भास्कर इंटरव्यू के अंदर किसानों के लिए एक ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है कि जो आंदोलन किसान, जिसको किसान बर्दाश्त नहीं करेगा, कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा था उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की है कि वहां पर रेप हुए हैं, किसानों की लाशें टांगी गई है, जो सब कुछ एक मिली भगत हुई है, जानबूझकर हुआ है, तो इसको किसान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका ऐसा कोई भी बात, कोई भी बयान शोभा नहीं देती। किसान सब एक हैं, हम सब लोग एक हैं, इसको किसान, हम इसका विरोध परमानेंट करते रहेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।